अल्लाह डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जैसा कि आपको पता है कि हमने ये चैनल सिर्फ इसलिए स्टार्ट किया ताकि स्टूडेंट्स की जो मुश्किल हैं और जो उनके टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सिर्फ उसको सॉल्व करने के लिए और फ्री एजुकेशन है तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं वो आपके तक पहुँचते रहें तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ हमारा है अल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ डिफ्रेंशियल इक्वेशन

differential equation is a function is a function y is equal to f of x that satisfies the differential equation that satisfies the differential equation when f differential equation when f function when f and its derivative and its derivative derivative are substituted इन द इक्वेशन अब देखें बहुत ही आसान मैंने आपको समझा दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में और जब इस फंक्शन एफ को हम और इसके डेरिवेटिव को हम किसमें पुट करते हैं उस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं बहुत ही आसान है कि हमारे पास अगर एक फंक्शन है उस फंक्शन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन मानेंगे कब मानेंगे जब उस फंक्शन को और उसके डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करें हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक डिफरेंशियल uh, इक्वेशन है y प्राइम इज इक्वल टू टू ऑफ x या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू ऑफ एक्स यहाँ पे मैं कहता हूं कि एक मेरे पास एक फंक्शन है वल टू y इज इक्वल टू एक्स केयर तो क्या ये इसका सोल्यूशन है अगर इसका मैं dy वाई बाई डी एक्स फाइंड करता हूं dy वाई बाई डी एक्स तो क्या आ जाएगा टू ऑफ एक्स आ जाएगा तो यहां पे अगर हम पुट करें टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सोल्यूशन है देखें इसने इसको सेटिस्फाई किया मजीद हम एक एग्जाम्पल और करते हैं और बड़ी अच्छी सी और टिपिकल सी करते हैं हम यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल प्राइम ठीक हो गया y डबल प्राइम माइनस थ्री वाई प्राइम प्लस टू ऑफ y प्लस टू ऑफ y इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर ई रेज टू पावर माइनस टू ऑफ x ठीक हो गया अब यहाँ पे हमें हम कहते हैं कि ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं डी स्क्र वाई का स्क्र ठीक हो गया माइनस डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू ऑफ वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर इरेज टू पावर माइनस टू ऑफ एक्स यहां पर मुझे एक फंक्शन गिवन है फंक्शन किस फॉर्म से है कि हम कहते हैं वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू थ्री ई रेज टू पावर एक्स माइनस फोर ई रेज टू पावर टू एक्स और साथ क्या गिवन है प्लस 2 e रेज टू पावर -2 ऑफ x अब आप देखें हमें यहाँ पे कितने डेरिवेटिव चाहिए पहला डेरिवेटिव भी चाहिए और दूसरा डेरिवेटिव भी चाहिए तो हम dy by dx फाइंड आउट कर लें तो dy by dx क्या आ जाएगा 3 e रेज टू पावर x 42 8 e रेज टू पावर 2 ऑफ x minus 6 e रेज टू पावर 2 ऑफ x ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया अगर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करें तो d2y dx का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास थ्री रेज टू पावर एक्स माइनस सिक्सटीन रेज टू पावर टू ऑफ एक्स यहाँ पे माइनस है हमारे पास सॉरी माइनस है ना तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा प्लस ट्वेल्व रेज टू पावर माइनस टू ऑफ एक्स अब आप देखें यहां पे हमने इसका डबल डेरिवेटिव पुट करना है उसके बाद हमने यहाँ पे इसका सिंगल डेरिवेटिव पुट करना है और फिर हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है और इसको हमने इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो चलते हैं हम पुट करते हैं ये सारे डेरिवेटिव इसके अंदर क्या है? ये हमारे पास सेटिस्फाई होगा हम देखते हैं ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव बना था तो पावर एकस, तो पावर टू एकस, प्लस ट्वेल्व रेज टू पावर माइनस टू ऑफ एक्स उसके बाद हमारे पास क्या है उसके बाद है मेरे पास माइनस थ्री इंटू डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या है थ्री इरेज टू पावर एक्स माइनस एट इरेज टू पावर टू ऑफ एक्स माइनस सिक्स इरेज टू पावर माइनस टू ऑफ एक्स और साथ क्या है प्लस टू इंटू वाई की क्या वैल्यू है वाई मेरे पास हमने जो फंक्शन कंसीडर किया वो क्या है थ्री इरेज टू पावर एक्स माइनस फोर इज इज टू पावर टू ऑफ एक्स प्लस टू इरेज टू पावर माइनस टू ऑफ एक्स अब आप देखें ये किसके इक्वल बन रहा था ट्वेंटी फोर रेज टू पावर माइनस टू ऑफ एक्स अब देखें अगर इसको हम क्या करते हैं इसको हम अब सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं ये क्या बन जाएगा e e प्लस ट्वेल्व रेज टू पावर माइनस टू ऑफ एक्स उसके बाद हम ये इसको हमने सिंप्लीफाई करना है माइनस थ्री थ्री नाइन

टू टू जार फोर पावर माइनस टू ऑफ एक्स और ये किसके इक्वल बन रहा है हमारे पास जो बन रहा है इक्वल टू ट्वेंटी यहाँ पे हमारे पास क्या है 24 e 2 of x. अब आप देखें, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इरेज पावर एक्स वाली कौन कौन सी टर्म है एक ईरेज पावर एक्स वाली ये वाली टर्म है ये वाली उसके बाद क्या है? ये वाली है नाइन उसके बाद कौन सी है ये वाली है अब देखें आप सिक्स और थ्री कितने हो गए नाइन प्लस नाइन इज पावर ऑफ एक्स और माइनस नाइन पावर एक्स कैंसिल हो गए अच्छा जी अब आप देखें यहां पे हमारे पास क्या है सिक्सटीन इरेज टू पावर टू ऑफ एक्स ठीक हो गया एक टर्म ये है उसके बाद क्या है सिक्सटीन इरेज टू पावर टू ऑफ एक्स अब देखें ट्वेंटी फोर इज इज पावर टू ऑफ एक्स और माइनस एट इरे पावर टू ऑफ एक्स अब देखें माइनस एट और माइनस सिक्सटीन कितने हो गए ट्वेंटी फोर दिस टर्म दिसम कैंसल विद खत्म हो गया अब आप देखें जो हमारे पास आखिरी टर्म बची है वो क्या बची है हमारे पास यहाँ पे सिर्फ क्या बचा है टू पवर माइनस टू ऑफ एक्स माइनस एटीन इज इज टू ऑफ एक्स प्लस फोर इजावर टू ऑफ एक्स अब देखें क्या है हमारे पास एटीन प्लस फोर 18 हमारे पास यहाँ पे क्या था ये हमारे पास 4 था नहीं ठीक है 6 3 018. 18 18 इज एज डिवाइडेड बाय -2 ऑफ x plus 4 इज एज डिवाइडेड बाय -2 ऑफ x और plus 12 इज बार बाय -2 ऑफ x सो so ये 12 नहीं है ये हमारे पास 2 है यहाँ पे जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी ये इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ये मेरे पास क्या है ओनली क्या है 2 है अब देखें इसका मतलब हुआ की ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये वाला फंक्शनशियल इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन है इसी तरह हम आगे चलते हैं एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें हमारे पास मजीद हमारे पास क्लैरिफिकेशन हो जाएगी ठीक हो गया। अब हम यहां हैं, हमारे पास डी वाई बाई डी वाला है एक्स एक वाल वाई की पावर वन बाय टू ठीक हो गया और जो फंक्शन यहां पे हमें गिवन है वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन बाई सिक्सटीन एक्स टू पावर फोर अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या है फंक्शन का एक डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो हम इसके एक डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 16, तो देखें अगर इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं डीवाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या बन जाता है ये बन जाता है वन बाई फोर क्योंकि फोर 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 वन जारो फोर 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 एक्स टू पावर थ्री ठीक हो गया अब हम इसको यहां पे पुट करते हैं चले जी पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा वन बाई फोर एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स और साथ क्या आ जाएगा वन बाई सिक्सटीन एक्स डेज टू पावर फोर की होल पावर वन बाई टू अब देखेंगे क्या बन जाएगा वन बाई फोर एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स अगर मैं यहां पे कंसीडर कर लेता हूं ये रूट है तो ये वन डिवाइड बाई फोर का स्क्वायर क्रॉस वन बाई टू और एक्स का square, ये इसको फोर लिख लेते हैं क्रॉस वन बाय टू लिख सकते हैं इसको टू टू से कैंसिल हो जाएगा ये टू टू से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा एक्स वन बाय फोर एक्स का स्क्वायर तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें